हमारे इस नॉलेज बीम चैनल पे जो भी विद्यार्थी कक्षा 12 के हैं या फिर जो भी टीचर्स हमारे इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और आप लोगों से नम्र निवेदन है कि इस वीडियो में जो मैंने इंग्लिश का मॉडल पेपर कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए प्रोवाइड किया हुआ है यूपी बोर्ड 2021 को ध्यान में रखते हुए, इस मॉडल पेपर का आंसर कुछ मेरे स्कूल के विद्यार्थियों ने अपने एग्जाम के कॉपी पर शो किया है, तो उनके एग्जाम की कॉपी पर इस मॉडल पेपर के आंसर को आप एक बार जरूर देखिएगा और देखने के बाद बताइएगा कि किस विद्यार्थी ने सबसे अच्छी तरीके से लिखा हुआ है और किस विद्यार्थी को 70 में आप कितने मार्क्स देंगे। थोड़ा सा टाइम निकालिएगा और ज़रूर उनकी कॉपी को देखिएगा ताकि उन विद्यार्थियों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके और वे समझ सके कि उनको बोर्ड एग्जाम में किस तरह से नंबर मिल सकते हैं। तो जो भी विद्यार्थी कक्षा 12 के उनसे रिक्वेस्ट है और जो भी टीचर्स हमारे इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उनसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको मॉडल पेपर शो करता हूँ, उसके बाद वीडियो के लास्ट में आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉपी देखने को मिल जाएंगे जिसपे कि इस मॉडल पेपर के आंसर को उन्होंने लिखा हुआ है। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए हम लोग कक्षा 10 के इंग्लिश का जो मॉडल पेपर मैंने तैयार किया है यूपी बोर्ड 2021 को ध्यान में रखते हुए उसे देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश का मॉडल पेपर यूपी बोर्ड 2021 को ध्यान में रखते हुए शो किया है। तो इस मॉडल पेपर को मैं आपको अच्छे से स्पष्ट कर दूँ, इससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि इस मॉडल पेपर का जो आंसर है मेरे स्कूल के कुछ विद्यार्थियों ने अपने एग्ज़ाम के कॉपी पर लिखा हुआ है, तो मैंने उसे वीडियो के लास्ट में शो किया है। बहुत सारे विद्यार्थियों की कॉपी को मैंने शो किया है, तो आप लोग उनकी कॉपी देखकर एक बार ज़रूर कमेंट करके बताएँ कि किस विद्यार्थी की कॉपी आपको अच्छी लगी और किस विद्यार्थी को आप 70 में कितने मार्क्स देंगे। तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर ज़रूर देख लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इस मॉडल पेपर को मैं आपको अच्छे से स्पष्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मॉडल पेपर का जो आपको इंटरफेस देखने को मिल रहा है एकदम बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर की तरह देखने को मिल रहा है, सेम ऐसा ही इंटरफेस आपको इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर का देखने को मिलेगा। तो मैंने बिल्कुल बोर्ड एग्जाम की तरह पेपर लिखा हुआ है, तैयार किया है ताकि आपको लगे कि आप बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर ही देख रहे हैं, क्योंकि आप पहली बार बोर्ड एग्ज़ाम में शामिल हो रहे हैं कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं, तो उनको पेपर को समझ लेना काफ़ी अच्छे तरीके से बहुत ज़रूरी है। तो पेपर का इंटरफेस कुछ इस तरह से होता है, सबसे पहले पेपर में आपको अपना अनुक्रमांक फिलअप करना है, उसके बाद आपको अपना नाम फिलअप करना है, उसके बाद पेपर का ये कुछ कोडिंग है। सन 2021 का इंग्लिश का मॉडल पेपर है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक 70 है क्योंकि 30 नंबर आपका जो प्रैक्टिकल वाला एग्जाम होता है उसमें मिलता है। और इसके बाद समय 3 घंटे 15 मिनट है और 15 मिनट जो शुरुआत के होते हैं आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ निर्देश है, जैसा कि आपको सेम यही निर्देश क्वेश्चन पेपर में बोर्ड एग्जाम के देखने को मिलेगा, तो इसे अच्छे तरह से समझ लीजिए। पहला निर्देश है दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू सेक्शन ए एंड बी, अर्थात यह प्रश्न पत्र खंड ए और खंड बी में बटा हुआ है, ठीक है, यानी दो खंड आपको देखने को मिलेगा, खंड ए और खंड बी। तो खंड ए में आपको इंग्लिश बुक से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और खंड बी में अर्थात सेक्शन बी में आपको इंग्लिश ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद दूसरा निर्देश है ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम द टू सेक्शंस आर कंपलसरी, अर्थात दोनों खंडों से सारे प्रश्न अनिवार्य हैं। इसके बाद तीसरा निर्देश है मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न के समक्ष जो मार्क्स हैं अंक हैं वह उल्लेखित किए गए हैं, अंकित हैं। रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्टिंग आंसरिंग देम, अर्थात प्रश्न को सावधानीपूर्वक बहुत ही सावधानीपूर्वक पढ़िए उनका आंसर लिखने से पहले या उनके आंसर की शुरुआत करने से पहले, यानी उनके उत्तर की शुरुआत करने से पहले यानी कि सावधानीपूर्वक प्रश्नों को पढ़ लीजिए। इसके बाद जो सेक्शन ए है जिसमें कि इंग्लिश बुक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें पहला क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट, अर्थात आ रहे पैसेज को पढ़िए और नीचे आ रहे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह पैसेज जो है आपको पढ़ लेना है, देखिए यहाँ पर पैसेज है बट ऑल्दो मेनी पीपल लव्ड द ओल्ड मैन, तो इस तरह से आपका पैसेज है, इसे आपको पढ़ना है और शेष पैसेज का भाग इस साइड है। तो देख सकते हैं इस पैसेज को आपको अच्छे से पढ़ना है और पढ़ने के बाद यहाँ पर पहला दूसरा करके दो प्रश्न पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव पैसेज हैज बीन टेकन, अर्थात उस लेसन का नाम लिखिए जिससे कि गद्यांश ऊपर का गद्यांश लिया गया है। हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन, इस लेसन के लेखक कौन हैं। और दूसरा प्रश्न है व्हाट डिड सुकरात टीच द पीपल ऑफ एथेन, एथेन के लोगों को सुकरात ने क्या सिखाया, क्या शिक्षा दिया, यह दूसरा प्रश्न है। दोनों ही दो दो नंबर के हैं, तो यानी कि प्रश्न नंबर एक जो है आपका 4 नंबर का है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स, अर्थात आ रहे प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। तो ए बी करके यहाँ पर दो प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। पहला है हु वाज यच, यच कौन थे, व्हाट क्वेश्चन डिड ही आस्क यू दृष्टि, उन्होंने यू दृष्टि से क्या क्या प्रश्न पूछे।
या आपका प्रश्न ए है तो अगर इसका उत्तर देते हैं लगभग 60 शब्दों में तो आपको 4 नंबर मिलेगा। तो जब भी आप लिखें आंसर वह 60 शब्द से ऊपर ही लिखें ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सकें। और इसके बाद बी वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द गंगा फॉर नेहरू एंड फॉर इंडिया, यानी नेहरू जी के लिए और भारत के लिए गंगा का क्या महत्व है। तो इस प्रश्न का अगर उत्तर आप देते हैं तो भी आपको 4 नंबर मिलेगा, केवल एक ही का उत्तर देना है, चाहे ए का दीजिए चाहे बी का, इसके लिए आपको 4 नंबर मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है वह है, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स ईच, अर्थात आ रहे प्रश्नों में से किन्हीं दो का उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। तो ए वाला प्रश्न है, हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था, व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम्स, उसकी मुख्य समस्याएं क्या थी। अगर आप इसका उत्तर देते हैं सही ढंग से तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप बी वाला ट्राई कर सकते हैं, व्हाट अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, अर्थात युधिष्ठिर के अनुसार संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, इसका भी उत्तर दे सकते हैं। नहीं तो सी वाला प्रश्न है, व्हाट डिड द जेलर से टू सुकरात बिफोर गिविंग हिम अ कप ऑफ पॉइजन, अर्थात जेलर ने सुकरात को 20 का एक कप देने से पहले क्या कहा। तो अगर आप इसका उत्तर देते हैं तो भी आपको 4 नंबर मिलेगा। तो आपको दो ही का उत्तर देना है, चाहे तो ए बी का दीजिए या फिर बी सी का या फिर ए सी का, जैसा आपको सूटेबल लगे, आपको केवल दो ही का उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद चौथा जो प्रश्न है आपका मैचिंग से अर्थात मिलान से है, तो कह रहा है मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विथ दियर मीनिंग्स इन लिस्ट बी, अर्थात लिस्ट ए के वर्ड्स को उसकी सिमिलर मीनिंग से लिस्ट बी से क्या कीजिए, मिलान कीजिए। तो लिस्ट ए में देख सकते हैं कौन कौन से वर्ड हैं, फारसेक है, इन्फ्लुएंस है, ओ है, ब्रीमिंग है, और इसमें जो सिमिलर उनकी मीनिंग है उसी से आपको मैचिंग करना है, मिलान करना है। तो सामने सामने मिलान करेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलते हैं, यानी कि आपका ज़्यादा सूटेबल माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका पाँचवा प्रश्न है, रीड द फॉलोइंग पीस ऑफ पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चन से गिवन बिलो इट, अर्थात आ रहे पोएट्री के टुकड़े को पढ़िए और नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको स्टेंजा देखने को मिल रहा है, नॉट इन्जॉयमेंट या स्टेंजा पढ़ना है, और ए बी करके जो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है उनका आपको उत्तर देना है। तो ए वाला प्रश्न है, व्हाट डज द पोएट से इन द फर्स्ट टू लाइन्स ऑफ द स्टेंजा, यानी इस पद्यांश के प्रथम दो पंक्तियों में कवि क्या कहता है। दूसरा है बी वाला है, हाउ शुड वी एक्ट इन लाइफ, हमें जीवन में कैसे कार्य करना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स फाइंड अर्थ फर्दर, यानी फाइंड अर्थ फर्दर शब्दों का अर्थ क्या है। तो दो दो नंबर के प्रश्न हैं आपके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है वह है, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, यानी आ रहे कविताओं में से किसी एक का केंद्रीय विचार दीजिए या फिर सेंट्रल आइडिया दीजिए। तो यहाँ पर पहला है द फाउंटेन, इसका लिख सकते हैं, नहीं तो दूसरा द विलेज सॉन्ग, इसका लिख सकते हैं, नहीं तो अगर आप सेंट्रल आइडिया नहीं लिखना चाहते हैं तो आप अथवा वाला जो 4 लाइन का कविता है आप वह लिख सकते हैं अपनी टेस्ट बुक से, आपके टेस्ट बुक में जो कविता है उससे आप 4 लाइन की कविता लिख सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि वह कविता इस क्वेश्चन पेपर में नहीं होना चाहिए। देखिए आप ब्रेकेट में लिखा है, यह 3 नंबर का आपका प्रश्न है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच, अर्थात आ रहे प्रश्नों में से किन्हीं दो का उत्तर लगभग 25 शब्दों में दीजिए। तो यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा करके 3 प्रश्न देखने को मिल रहा है, केवल दो ही प्रश्न का आपको उत्तर देना है लगभग 25 शब्दों में, तो इसके लिए आपको 4 नंबर मिलेगा, अर्थात हर एक प्रश्न पे दो दो तो कुल 4 होता है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, हाउ डिड एडिसन सर्व हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एडिसन ने अपने देश की सेवा कैसे की। दूसरा प्रश्न है, व्हाट डिड द विलेज बॉयज फाइंड इन द पास्चर, यानी घास के मैदान में गांव के लड़कों ने क्या पाया। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ एंड व्हाई डिड द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपीयर फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर, यानी विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन कैसे और क्यों पृथ्वी से सदैव के लिए गायब हो गया। इसके बाद आठवां प्रश्न है, ट्रू एंड फॉल्स से है, तो पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी आ रहे कथनों में से ट्रू एंड फॉल्स को पता कीजिए, फाइंड आउट कीजिए। तो पहला है, एडिसन प्रॉमिस्ड हिज मदर टू गिव हर अ डॉलर एवरी नाइट फ्रॉम व्हाट ही अर्नड, अर्थात एडिसन ने अपनी माँ से वादा किया कि जो कुछ वह कमाएगा से प्रत्येक रात्रि $1 उन्हें देगा। तो यह सही है या गलत है आपको फाइंड आउट करना है। थॉमस एल्वा एडिसन वाज अ ग्रेट इन्वेंटर ऑफ इंग्लैंड, थॉमस एल्वा एडिसन इंग्लैंड के एक महान आविष्कारक थे। तीसरा है, विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड, विक्रमादित्य ने कभी धोखा नहीं दिया या फिर गलत न्याय नहीं किया, तो यह तीसरा है। इसके बाद है, दिल्ली वाज द कैपिटल ऑफ किंग विक्रमादित्य, यानी दिल्ली राजा विक्रमादित्य की राजधानी थी। तो यह आपका चौथा है, तो आपको बस इसमें बताना है कौन ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, और 4 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद नौवां प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट सूटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अर्थात आ रहे कथनों को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो ए वाला है, एडिसन वाज फॉन्ड ऑफ, एडिसन शौकीन था, तो 4 विकल्प आपको देखने को मिल रहा है, जो सही है उसी का आपको चुनाव करना है। और बी वाला है, एडिसन वाज टेकन आउट ऑफ स्कूल बिकॉज, एडिसन को स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि। सी वाला है, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज मेड ऑफ, विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन बना हुआ था, तो किसका
बनाया गया था, आपको यही फाइंड आउट करना है। इसके बाद इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द पैलेस एंड फोर्टेट ऑफ विक्रमादित्य वॉर, यानी समय गुजरने के साथ विक्रमादित्य के महल और किले क्या हो गए, यहाँ पर चार ऑप्शन आपको देखने को मिल जा रहा है। इसके बाद आपका सेक्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट होता है, तो सेक्शन बी में इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, डू एज इंडिकेटेड अग्निस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी प्रत्येक आ रहे कथनों के समक्ष जैसा निर्देश दिया गया है वैसा कीजिए, जैसा उल्लेखित किया गया है वैसा कीजिए। तो ए वाला है नेवर हार्ड गोज वेस्ट वर्क, तो यहाँ पर देख सकते हैं ब्रेकेस्ट में निर्देश दिया गया है कि आपको सही क्रम में शब्दों को करना है, यानी कि आपको रीऑर्डरिंग करना है और सही सेंटेंस का निर्माण करना है, इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। बी वाला है ही गेव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इसको आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में और इसके लिए भी आपको 2 नंबर। इसके बाद सी वाला जो है आपको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है, सही ढंग से कर देते हो तो इसके लिए भी आपको 2 नंबर मिलेगा। और जो डी वाला है इसमें आपको फारगेट जो आपका वर्ब दिया है इसका सही फॉर्म फिलअप करना है, अगर सही ढंग से भरते हैं तो इसके लिए भी आपको 2 नंबर मिलेगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंतर्गत ए वाला जो प्रश्न है उसमें कह रहा है कि आप करेक्ट प्रीपोजिशन का चुनाव कीजिए सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर ही विल रिटर्न होम 6 o'clock, तो यहाँ पर आपको सही प्रीपोजिशन का चुनाव करना है, ठीक है। इसके बाद बी वाला प्रश्न है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी नीचे आ रहे वाक्य को पूरा करना है आपको, यू कैन नॉट सक्सीड इफ, तो इसे आपको पूरा करना है, अच्छे ढंग से कीजिएगा ताकि इसका एक मीनिंग निकल सके। इसके बाद सी वाला जो प्रश्न है आपको नीचे जो शब्द आ रहा है उसे कंप्लीट करना है, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ स्पेलिंग जो गायब है उनको कंप्लीट करके आपको वर्ड कंप्लीट करना है। इसके बाद जो डी वाला प्रश्न है वो पंक्चुएट से है, आपको यहाँ पर नीचे जो स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है तो इसको में आपको कहाँ पर कैपिटल लेटर, कहाँ पर स्मॉल लेटर, कहाँ पर कामा, कहाँ पर यूनाइटेड कामा, कहाँ पर क्वेश्चन मार्क, जो भी आवश्यकता हो वह चिन्ह आपको लगाना है और स्मॉल और कैपिटल लेटर का भी ध्यान रखना है, ठीक है। यह भी आपका 2 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आपका हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आता है, तो यह 4 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 13 है आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन लिखने के लिए आता है, या फिर नीचे आप देखेंगे तो आपको लेटर लिखने के लिए भी देखने को मिल जाता है। तो 13वां वाला जो प्रश्न है इसमें अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट देने के लिए आपको अनुरोध करते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखना है, और या फिर अथवा वाला यहाँ पर आप कर सकते हैं राइट अ लेटर टू योर फादर, आस्क फॉर मनी रिक्वायर्ड टू परचेज सम बुक्स एंड पे हॉस्टल ड्यूज, यानी कि जो हॉस्टल है उसके किराए को देने के लिए और कुछ किताबों को खरीदने के लिए धन की आवश्यकता के लिए अपने पिता को पत्र लिखना है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि अपना नाम और रोल नंबर और स्थान आपको मेंशन नहीं करना है, यानी कि नाम, रोल नंबर और स्थान नहीं लिखना है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 14 है यहाँ पर आपको कुछ टॉपिक्स देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ वहाँ पर टॉपिक्स में आपको हेडिंग भी मिल जाता है, अर्थात ऐसे लिखना होता है लगभग 60 शब्दों में। तो आप कभी भी 60 शब्दों में ऐसे ना लिखें, क्योंकि अगर आप 100 शब्दों के आसपास लिखेंगे तो ही आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो 100 शब्दों के आसपास अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपको इसके लिए 6 नंबर मिलता है। तो किसी एक टॉपिक पर लिखना है, चाहे माई फादर पर लिखिए, चाहे होली पर लिखिए, या फिर अर्ली मॉर्निंग सीन इन अ पब्लिक पार्क, एक पब्लिक पार्क में यानी कि प्रारंभिक सुबह के दृश्यों को के बारे में आपको लिखना है ऐसे, यहाँ पर हेडिंग आपको दिया गया है, या फिर अब पुलिस मैन पर आप ऐसे लिखिए, ठीक है। तो केवल एक टॉपिक पर लगभग 60 शब्दों में लिखना है, तो आप 100 शब्दों के आसपास लिखने का प्रयास कीजिएगा। और इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 15 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, तो कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन सेट देयर ऑन, यानी कि नीचे आ रहे जो आपका गद्यांश पैसेज है उसे अच्छी से पढ़ना है और नीचे आ रहे प्रश्नों के उत्तर देना है। तो इस पैसेज को अच्छे से आप पढ़ लीजिए, उसके बाद यहाँ पर पहला दूसरा करके 2 प्रश्न पूछा गया है जो कि 3-3 नंबर का है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है व्हाट डिड द किंग डू व्हेन ही फाउंड आउट द प्रिजनर इनोसेंट, यानी उस राजा ने क्या किया जब उसे पता चला कि वह कैदी निर्दोष था। दूसरा प्रश्न है व्हाट डिड द मैन से टू द शॉपकीपर, यानी शॉपकीपर से उस व्यक्ति ने क्या कहा। तो यह 3 नंबर के पहला दूसरा करके 3-3 नंबर के 2 प्रश्न हैं, अर्थात कुल 6 नंबर का क्वेश्चन नंबर 15 है। तो स्टूडेंट्स यह था कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए इंग्लिश का मॉडल पेपर। इस मॉडल पेपर का आंसर ठीक है इस वीडियो के लास्ट में मेरे कुछ स्कूल के विद्यार्थियों ने लिखा हुआ है एग्जाम की कॉपी पर, तो उन्हें आप देख लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि किस विद्यार्थी ने अच्छे ढंग से लिखा है और उस विद्यार्थी को आप 70 में से कितने मार्क्स देंगे। तो चलिए मैं आपको उनकी कॉपियाँ जो है वह जल्दी से दिखा देता हूँ। तो स्टूडेंट जैसा कि सबसे पहले यहाँ पर अमन कुमार सिंह नाम का जो विद्यार्थी है उसकी कॉपी को मैं आपको दिखा देता हूँ उसने किस तरह से लिखा हुआ है। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 1 है
उसका ए जो आंसर है किस तरह से भी इस विद्यार्थी ने लिखा हुआ है, मैं जल्दी जल्दी शो करता हूँ क्योंकि और भी विद्यार्थियों की कॉपी आपको दिखानी है। तो इस तरह से देख सकते हैं उन्होंने उत्तर लिखा हुआ है, ठीक है। और आप लोग क्वेश्चन पेपर देखकर एक बार बताइएगा कि किस तरह से इस विद्यार्थी ने लिखा हुआ है, आप 70 में इसे विद्यार्थी को कितने नंबर देंगे और इसका लिखने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद इस तरह से इस विद्यार्थी ने लिखा हुआ है आंसर, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देख सकते हैं किस तरह से इस विद्यार्थी ने लिखा है। इसके बाद इस साइड भी देख सकते हैं, इस तरह से जो विद्यार्थी अमन है उसने लिखा हुआ है अपनी कॉपी को। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो देख सकते हैं छठा प्रश्न का उत्तर यहाँ पर है। इसके बाद इस साइड भी देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लिखा है। इसके बाद आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसके बाद और आगे बढ़ते हैं देख सकते हैं किस तरह से इस विद्यार्थी ने लिखा हुआ है अपनी कॉपी को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं इस साइड लिखा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, पेपर आप लोग देख लीजिएगा, पेपर जो है मॉडल पेपर मैंने पहले प्रोवाइड किया है। इस क्वेश्चन पेपर का जो आंसर है इस कॉपी पर लिखा गया है तो पेपर मैंने पहले ही आपको दिखाया था, इस तरह से लिखा हुआ है इस विद्यार्थी ने। और आप लोग बताइएगा कमेंट कर करके किस विद्यार्थी का आपको कॉपी सबसे अच्छा लगा और 70 में कितने मार्क्स देंगे किस विद्यार्थी को, यह दोनों चीज़ें मेंशन कीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो काफ़ी अच्छा ऐसे लिखा है इस विद्यार्थी ने। इसके बाद इस साइड भी इस विद्यार्थी ने लिखा है, देख लीजिए। और इसके बाद इस साइड क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है 15 इस साइड है, ठीक है। पेपर पहले ही मैंने आपको दिखाया था तो उसी का आंसर इस विद्यार्थी ने इस कॉपी पर लिखा हुआ है। चलिए अगले विद्यार्थी का देखते हैं कॉपी। इसके बाद अगला जो कॉपी है वह इसिका शाश्वत का है, बहुत ही अच्छी यह विद्यार्थी है पढ़ने में, तो चलिए इसकी कॉपी देखते हैं। तो इस तरह से इसने लिखा हुआ है, देख सकते हैं किस तरह से इसने लिखा हुआ है। लिखने का तरीका भी बताइएगा आप लोग कि कैसा इसका आपको लगा। तो इस तरह से आंसर दिया गया है। इसके बाद इस साइड भी देख सकते हैं किस तरह से इसने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। और यदि आप इंग्लिश की अच्छी तरह प्रिपरेशन करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को ज़रूर प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। तो इस तरह से इस विद्यार्थी ने लिखा हुआ है।
आप लोग पीयूष करके देखिएगा तो ही देख पाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं। इसके बाद सेक्शन बी स्टार्ट होता है। तो जितने भी विद्यार्थी कक्षा 10 के हैं, इस कॉपी की मदद से उनको काफ़ी हद तक आइडिया लग जाएगा कि किस विद्यार्थी ने किस तरह से लिखा हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इस साइड है, देख लीजिए ऐसे। इसके बाद ऐसे इस साइड भी है। और इस साइड भी है आपका ऐसे। इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन जो है वह यहाँ पर है, इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन। तो यह था इसका शाश्वत का कॉपी। इसके बाद अगले विद्यार्थी की कॉपी देखते हैं। अगला ये जो कॉपी है वह है श्वेता गुप्ता का। तो इसके कॉपी को भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से इस विद्यार्थी ने लिखा हुआ है। इसके बाद देख सकते हैं, अगर आप लोग को स्पष्ट ना दिख रहा हो तो वीडियो की जो क्वालिटी है YouTube की सेटिंग से बढ़ा लेंगे तो स्पष्ट रूप से दिखने लगेगा। तो इस तरह से है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं किस तरह से इसने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, इसके बाद 9, से सेक्शन बी आ जाता है। देख सकते हैं किस तरह से लिखी हुई है इस विद्यार्थी ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 14 जो कि ऐसे है, देख सकते हैं किस तरह से इस विद्यार्थी ने लिखा है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस साइड देख सकते हैं। तो यह था श्वेता गुप्ता की कॉपी। इसके बाद अगले विद्यार्थी की कॉपी देखते हैं। अगला जो ये कॉपी है वह है तपस्या पटेल का। तो देख सकते हैं किस तरह से इस विद्यार्थी ने लिखा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से है इस विद्यार्थी का कॉपी। फिर से याद दिलाना चाहता हूँ आप लोगों को, यदि आप इंग्लिश की अच्छी तरह प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को जरूर प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। स्पेशली वहाँ पर आपको क्लास 12 का प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगा, लेकिन 10th का भी प्रिपरेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देख सकते हैं किस तरह से इस विद्यार्थी ने लिखा हुआ है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का बी देख सकते हैं किस तरह से लिखा हुआ है इस विद्यार्थी ने। क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं एप्लीकेशन लिखा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 जो आपका एसे है देख सकते हैं किस तरह से लिखा है इस विद्यार्थी ने। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, तो यह था तपस्या पटेल की कॉपी। इसके बाद हम लोग अगली कॉपी देखते हैं। इसके बाद जो अगली कॉपी है वह है खुशी गुप्ता का, तो देख सकते हैं किस तरह से खुशी गुप्ता ने लिखा हुआ है। के बाद इस साइड भी देख सकते हैं। इसके बाद आगे देख सकते हैं इस तरह से लिखा है इस विद्यार्थी ने। आप मॉडल पेपर देखकर डिसाइड कीजिएगा कि किस विद्यार्थी ने सबसे अच्छी तरह से लिखा हुआ है। हाँ, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा तो टाइम दे ही सकते हैं आप लोग। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 14 ऐसे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 15 आप देख सकते हैं यहाँ पर है। तो यह था खुशी गुप्ता का कॉपी। इसके बाद एक विद्यार्थी का और देख लेते हैं कॉपी। तो अगला जो कॉपी है वह शिवानी राजभर का है, तो देख सकते हैं किस तरह से इस विद्यार्थी ने लिखा है। तो यहाँ से इसकी जो लिखना है वह शुरू हुआ है। राइटिंग थोड़ी सी अच्छी तरीके से मैनेज नहीं की है, जल्दी जल्दी में लग रहा है कि लिखी हुई है। इस तरह से शिवानी राजभर ने लिखा हुआ है, देख लीजिए आप लोग। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं अगर स्पष्ट रूप से ना दिख रहा हो तो वीडियो की क्वालिटी यूट्यूब की सेटिंग से बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जल्दी जल्दी मैं दिखा देता हूँ आपको यह कॉपी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में किसकी कॉपी आपको सबसे अच्छी लगी और 70 में कितने मार्क्स देंगे, ठीक है। तो यह था शिवानी राजभर की कॉपी। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि किस विद्यार्थी की कॉपी आपको सबसे अच्छी लगी और 70 में उसे कितने मार्क्स आप देना पसंद करेंगे।
तो स्टूडेंट्स यह था कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश का मॉडल पेपर, और इस मॉडल पेपर को मैंने बोर्ड एग्जाम 2021 को ध्यान में रखते हुए तैयार किया था। तो इस वजह से इस मॉडल पेपर को आप अच्छे से तैयार भी कर लीजिएगा, और इस मॉडल पेपर का बहुत सारे हमारे स्कूल के विद्यार्थियों ने अपने एग्जाम की कॉपी पर आंसर के रूप में भी लिखा है। तो उस आंसर के रूप में जो उन्होंने अपनी कॉपी पर लिखा है उसे आप देखकर जरूर बताइएगा कि किस विद्यार्थी ने अच्छी तरह से लिखा है, और उस विद्यार्थी को 70 में आप कितने नंबर देंगे। या दोनों चीज़ें अगर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करते हैं थोड़ा सा टाइम निकालकर तो काफ़ी अच्छा होगा। तो आई होप जितने भी कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं या फिर जो भी टीचर हमारे इस चैनल के साथ जुड़े हैं वह जरूर कमेंट करके हमें बताएँ और अपने आइडियाज़ प्रकट करें ताकि उन विद्यार्थियों को थोड़ा सा प्रोत्साहन मिल सके। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कीजिएगा लाइक और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जिनके लिए वीडियो यूजफुल हो सकता है। और यदि आप कक्षा 12 के लिए अच्छी तरह से इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए तो हमारे चैनल को विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए, आपको इंग्लिश का पूरा प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ हमारे मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है नॉलेज बीम, जिसका कि लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम 2021 की दृष्टि से वह काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, उसकी मदद से आप अच्छे से बोर्ड एग्जाम के लिए इंग्लिश की तैयारी भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।